आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने और अशांति फैलाने के इरादे से एक बार फिर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान ने पुंछ के अरनिया सेक्टर और नौगाम में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। बीएसएफ ने भी बिना देर किए जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन विपक्ष ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में रविवार से ही पाकिस्तान की ओर से कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। जम्मू कश्मीर के अरनिया और नौगाम सेक्टरों में हुई फायरिंग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल फिर बिगड़ गया। रविवार दोपहर पाकिस्तान रेंजर्स ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के अरनिया और नौगाम सेक्टरों में बीएसएफ की चेक पोस्टों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू कर दिया है लोगों ने। लोगों के दिमाग में फिर वो खौफ बना हुआ है जो पिछले दिन पाकिस्तान ने मासूम लोगों पे फायर किया था। आज दोबारा लोगों के मन में यही एक खौफ बना हुआ है कि पता नहीं कब किसी की कब बारी आ जाए। अचानक हुई इस गोलाबारी का बीएसएफ ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन बीएसएफ 119 बटालियन के जवान अभिजीत नंदी की गोली लगने पर मौके पर ही मौत हो गई। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान को कड़ा सबक मिलना चाहिए, क्योंकि वो आतंकियों को घुसाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बनाए रखना चाहता है। जबकि बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी इसको सही जवाब दे रही है, इसके होश अभी भी ठिकाने नहीं आ रहे। जितने जल्दी पाकिस्तान होश में आ जाएगा, उतने ही जल्दी कश्मीर वैली में और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते में सुधार हो जाएगा। ये चाह रहे हैं कि हम उधर से आर्या में करके एंगेज इनको और ऊपर से हम जो करना चाहते हैं वो हम करें, ताकि लाइन कट हो जाएगी। वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सड़क चलती है, वो बंद हो जाएगी। वो बंद हो जाए तो ऊपर जा नहीं सकता। उधर कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का मानना है कि जितना ही नवाज से पीएम मोदी शराफत दिखाते हैं, सीज फायर का उल्लंघन बढ़ता जाता है। जबकि एनसीपी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पीएम नवाज से पूछे कि शांति चाहिए या नहीं। नरेंद्र मोदी जी प्रयास करते हैं पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए, उतने ही ज्यादा गड़बड़ होते जा रहे हैं। इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, उसके बाद भी मुलाकात हुई, एक दूसरे को कोई शॉल भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? देश की राजनीति और विदेश नीति उसमें सुधार होना चाहिए। मिला क्या इतना दिन जो विदेश दौरे पर ये रहे, तो अपना इनका भाषण खूब हुआ और भारत के मीडिया में वो खूब छाए रहे उसको लेकर के, लेकिन गेन क्या? देखिए, ये मिले, बातचीत करें, लेकिन कल ही रात में एक पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन हुआ फिर सीमा पर। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो पूछे कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान सरकार चाहती क्या है, भारत से मैत्री चाहती है या भारत से दुश्मनी चाहती है। खुफिया जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग घुसपैठियों को दाखिल कराने की आईएसआई की चाल है, जो हर साल कश्मीर में बर्फबारी से पहले एक बार जरूर अंजाम दी जाती है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद भी पीओकी में बैठकर अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए आतंकियों को उकसा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान रेंजर्स ने 22 जून को सीज फायर का उल्लंघन कर जम्मू जिले के आरसपुरा सेक्टर की दो सीमा चौकियों को निशाना बनाया था। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।